जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रश्न पूछ जाते हैं ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हो तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा SSC GD के 2022 के, 2021 के और 2018 के, 2018-19 के आपका SSC GD के प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराया हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, आपका एग्जाम डेट 11 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछला वैकेंसी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2020 में निकला हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो। इसके अलावा मैं इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ, क्योंकि जो आपके न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता दोस्तों। तो आपका 50 अंक इसमें GK GS, 15 अंक इसमें मैथ और 25 अंक का रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अंक का पूछा जाता है वो है आपका GK GS। तो GK GS को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें GK GS जो है वो अच्छा तगड़ा पूछा जा रहा है। ना तो मैं इसको सरल कहूँगा, ना तो ज़्यादा कठिन भी कहूँगा, ठीक है? आपका बीच का पूछा जा रहा है तो अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। ये मत समझना कि जाएंगे तो वहाँ इतना तो हम कर ही आएंगे, 50 में से 20-30 कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। प्रश्न आपके अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं, जितना अच्छे से पढ़ोगे आप, प्रैक्टिस करोगे, अभी टाइम है, अभी कर लो, अभी कुछ नहीं जा रहा। इसके अलावा अदर एग्जाम भी आप दे सकते हो, जैसे दिल्ली पुलिस MTS का भी वैकेंसी निकला है, तो दिल्ली पुलिस MTS के लिए भी अप्लाई कर देना। तो आपका पहला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज देश जातियों में विभाजित था। तो जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल था उसके समय जो जातियों का विभाजन हुआ था वो 7 में हुआ था। कितना? 7 जातियों में विभाजित था। कितनी जातियों में? 7 जातियों में विभाजित था। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है? बेसिकली ए आपका आंसर की है, तो इसमें राइट आंसर आपका पहले से ही हाईलाइट हो रखा है, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है कि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो वैसे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है? अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। 2020 में सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी लिन डैन एक पेशेवर डैश है। तो कौन सी खिलाड़ी है, कौन से खेल में रुचि रखते हैं? तो दोस्तों ये आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन से? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। तो आपका करंट अफेयर्स में खासकर आप देख लेना जो आपके खेल से संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे कि पुरस्कार हो गया आपके, ठीक है, और BCCI का अध्यक्ष हो गया, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। और जैसे आपका DRDO हो गया, ISRO हो गया, इनके अध्यक्ष हो गए, BSF हो गए, इनके महानिदेशक हो गए, ठीक है, और जो आपकी सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण योजना चलाई जाने की वो हो गया। इसके अलावा कोई आपका G20 जैसे सम्मेलन हुआ उसकी थीम क्या थी, कब हुआ था, और आपका चंद्रयान 3 है, कब का नाम चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया, तो ये सब प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इसको करंट अफेयर्स के तौर पर अच्छे से पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स आपका मिनिमम जितने मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें आपका 9 से 10 अंक का तो आपका करंट अफेयर्स ही देखने को मिला है। बाकी आपका नदी, सहायक नदी हो गई, बांध हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, पर्व हो गए, जनजाति हो गई, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई, आंदोलन हो गए, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये पढ़ लेना है, यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का। अगला देखो, वी ऑन रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है बियॉन्ड रिलीजन, ये दोस्तों दलाई लामा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? दलाई लामा के द्वारा, ठीक है? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। तो पुस्तक से रिलेटेड आपको एक या दो प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का
किस ग्रंथ का एक भाग है? तो जो आदि पर्व है वो आपका महाभारत, किसका? महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। तो ऑप्शन टू आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वैसे तो आपका अगर बढ़ना चाहते हो तो महाभारत जरूर देखें, ठीक है। मैं आपका सजेस्ट करूँगा कि महाभारत देखें, इसमें बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आज के वर्तमान में जो समाज चल रहा है उसकी रियलिटी आपको बताएगी। मैं रियल बात बता रहा हूँ, अगर आप कुछ देखना चाहें फिल्मों से अच्छा महाभारत देखना, इसमें आपको बहुत अच्छा रियलिटी जो अभी वर्तमान समाज में चल रही है ना वो सब समझ में आपको आ जाएगी, चाहे वो रिश्ते हों चाहे आपसी समझौते हों कुछ भी, सब समझ में आ जाएगा, महाभारत में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला देखो, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई में आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसका निर्माण 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। और एक आपका इंडिया गेट है, कौन है? इंडिया गेट। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका नई दिल्ली में है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और आपका इंडिया गेट नई दिल्ली में है। अगला देखो, 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे जायर बोल्सोनारो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जो आपके जायर हैं, जायर बोल्सोनारो हैं, ये आपका ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ब्राज़ील में ही आपका मुख्यमंत्री जो आपकी मूंगफली है उसका जो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था? तो कौन सा आपका विद्रोह था? वो था आपका संबलपुर का विद्रोह। कौन सा? संबलपुर का विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न इसको थोड़ा अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से आर्टिकल यानी अनुच्छेद से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट कर लेना दोस्तों थोड़ा, क्या कि अपना अंग्रेजी कमजोर है। तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23, ऑप्शन 4 सही होगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निष्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? तो किस क्षेत्र के लिए? तो दोस्तों ये था आपका शिक्षा का क्षेत्र। कौन सा? शिक्षा का क्षेत्र। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न देखो अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप कहाँ से पढ़ोगे ये समझ में आएगा, ठीक है। आप मान लीजिए जैसे तैयारी करते हैं तो इसमें आपका तुक्का ही काम आएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न वैकेंसी है 12 पास की, ठीक है, वैकेंसी है 12 पास के प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप PGCS की तैयारी कर रहे हो, हद है बिल्कुल। अगला देखो, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आपका जो आपका केंद्रीय बजट 2020-21 है उसके अनुसार जो भारत है इंडिया है वो आपका 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है, ठीक है, 5वीं। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो जो आपकी मानस नदी है वो आपका भूटान से, कहाँ से? भूटान से सीधा आपका भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखो, सीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो जो आपकी सीना नदी है ये आपका कृष्णा नदी की आपका महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। तो ऑप्शन 3 कृष्णा बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, पंडित हरि कृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कौन से खेल खेलते हैं पंडित हरि कृष्णा? तो दोस्तों ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। कौन से? शतरंज। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी के से कैन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो आपका बेतवा नदी किससे? बेतवा नदी से कैन नदी जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। कैन नदी कहाँ पर दोस्तों? बांदा जो शहर है वो आपका कैन नदी में ही बसा हुआ है। और हम कहाँ के हैं? हमें महोबा के, महोबा बांदा कितनी दूर है? मुश्किल से 30-40 किलोमीटर होगा, ठीक है। और जो बेतवा नदी है वो आपका ओसे शहर यानी झांसी जो शहर है वो आपका बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो झांसी हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सब जिले हैं, जालौन वरी जो हो गया ना, ये सब जिस हमारे अंडर ही आते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे,
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो किस स्थान पर होता है राजस्थान में? तो दोस्तों जो आपका प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है ये आपका डूंगरपुर में किया जाता है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? तो कौन सा हार्मोन है? वो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो जो आपकी कावेरी नदी है इसका जो बेसिन है वो आपका तमिलनाडु में फैला है, कर्नाटक में फैला है, केरल में फैला है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं फैला हुआ है। तो ऑप्शन थ्री आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपाय समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? वो है आपके जे बी कृपलानी। कौन है? जे बी कृपलानी। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर? तो इसका राइट आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नील हरित शैवाल, ठीक है, ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा, इसको ट्रांसलेट कर लेना। अगला देखिए, अगला भी इंग्लिश में आ गया, द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस सेल इन सॉरी अक्रॉस सेल इज सेल, मतलब कोशिका से कोशिका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा, इसको भी ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। बताओ, हिंदी लैंग्वेज पेपर की रखी फिर भी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं। अगला देखो, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल श्रेणी में उप विजेता निम्नलिखित में से कौन बनी? तो कौन बनी? वो है आपकी गार्विने गुरुरुजा। कौन? गार्विने गुरु सॉरी गार्विने मुरु सॉरी यार गार्विने मुगुरुजा गार्विने मुगुरुजा। ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? तो मध्यकाल में वो आपका फारस देश से, कहाँ से? फारस देश से आपका भारत आया था। अगला देखिए, हेल पुनिया नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य का है जो आपका हेल पुनिया है जनजाति पर्व है? दोस्तों ये झारखंड राज्य का है। किसका? झारखंड राज्य का। अगला देखेंगे, दिवासु नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपका दिवासु है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन फोर गुजरात। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ इमोलिसिफिकेशन ऑफ फेट यानी बशा? तो राइट आंसर होगा वाइल। क्या होगा? वाइल, इसको भी ट्रांसलेट कर लेना। अगला देखो भाई, कितना यार आ रहा है इंग्लिश में, एच पर द यूनियन बजट 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेस्पिट्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो राइट आंसर होगा डायरेक्ट टैक्स। क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, सरबपुरी क्या सरबपुरी और सोमवंशी नामक राजवंशों ने देश में शासन किया? तो जो आपके सरबपुरी और सोमवंशी राजवंश थे इन्होंने कहाँ पर शासन किया? छत्तीसगढ़ में शासन किया। ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन सॉरी द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू ड्यूओडेनम जेजुनम एंड ठीक है जेजुनम एंड। तो ऑप्शन क्या होगा? आइलियम। क्या? आइलियम। ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा, आइलियम। अगला देखो, केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है? तो किस संस्थान? वो है आपका भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान, भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान। अगला देखो, वर्ष 2007 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल तीसरा सर्वोच्च मूल था? तो कब? महाराष्ट्र में। कब? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, रावी कोंडोला राव जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया उन्हें डैश सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो कौन सिनेमा में? तेलुगु सिनेमा में। कौन सा? तेलुगु सिनेमा। अगला देखेंगे,
आ बेटर इंडिया, आ बेटर इंडिया, आ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ये दूसरा पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है, तो ये पुस्तक आपका NR नारायण मूर्ति, किसने? NR नारायण मूर्ति ने लिखी है। अगला देखेंगे, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह बीगबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? आपका महाराष्ट्र में, पहले भी करवाया हूँ, महाराष्ट्र स्थित है, ठीक है, बीबी का मकबरा। अगला, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक रूप में स्थित है? एक रूप में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा, गड़जात पहाड़ियाँ। कौन सी? गड़जात पहाड़ियाँ। अगला देखेंगे, इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, सेस ऑन इनकम टैक्स, तो कितना परसेंट लगता है भैया? ये 4% लगता है, ठीक है, किसमें? हेल्थ सभी लोग जानते हैं, एजुकेशन यानी पढ़ाई शिक्षा हो गया। अगला देखो, दिबांग जल विद्युत परियोजना, दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखें, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021 है, तो निम्नलिखित में से कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया? तो कितना रखा गया इसका? 15 लाख करोड़। कितना? 15 लाख करोड़, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सभी के लिए आर्थिक विकास नामक विषय वस्तु का एक घटक नहीं था जैसा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्दिष्ट किया गया था? तो कौन सा नहीं था? सबका आवास नहीं था, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मन के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 87(1) में, किसमें? अनुच्छेद 87(1) में। अगला देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल 10 वर्ष निर्धारित किया। कितने वर्ष? 5 वर्ष, 5 वर्ष निर्धारित किया, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो कौन सा स्थल? सोरकोटड़ा। कौन सा? सोरकोटड़ा, जो कहाँ पर स्थित है? ये आपको गुजरात में स्थित है। अगला देखो, केंद्रीय बजट 2020-21 में विवाद से विश्वास योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निर्दिष्ट की गई? तो किससे? प्रत्यक्षित कर से, किससे? प्रत्यक्षित कर, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 12। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो कौन सा विद्रोह था? वो था सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, सन्यासी विद्रोह। अगला देखो, चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो जो आपका चेचक का टीका है, आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, गाथा गायन का एक स्वरूप दस कठिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो दस कठिया जो है वो उड़ीसा में प्रचलित है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, 10वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 खिताब डैश की टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? ये आपका हरियाणा की टीम ने जीता, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ध्रुवास्त्र जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण जुलाई 2020 में किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक है, क्या है? प्रक्षेपास्त्र है, क्या है? प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे गिनीज विश्व रिकॉर्ड द्वारा सबसे तेज मानव संगणक के रूप में सम्मानित किया गया जिन्होंने 4 दशकपूर्व यह उपलब्धि प्राप्त की थी? किसने? शकुंतला देवी ने, ऑप्शन 3 सही होगा, शकुंतला देवी। अगला देखो,
बेहतर विपणन और उत्पादों के निर्यातों हेतु केंद्रीय बजट 2021 में एक उत्पाद एक जिला योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए घोषित की गई। तो किस क्षेत्र के लिए, ये बागवानी क्षेत्र के लिए, ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में पूछे गए 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। कुछ डाउट हो जरूर पूछ लेना, और आप खुद देख सकते हैं आपका यहाँ समाप्त हो गया। अगला आपका जो सेक्शन है वो रीजन का स्टार्ट हो जाता है, और जो आपका रीजन में प्रश्न पूछ रहे हैं भैया मैथ का प्रश्न पूछ रहे हैं परसेंटेज का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, एक वस्तु बेचकर एक दुकानदार 50% लाभ अर्जित करता है, ठीक है, यह विक्रय मूल्य दुगुना कर दे, दुकानदार लाभ अर्जित करता है, ठीक है, दुगुना कर दे तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाए। तो 200% कमाएगा, सीधी सी बात है यार, ऑप्शन नंबर मेरे को सही होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके चित्र वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, दर्पण वाले, ठीक है, आकृति वाले। अगला देखो आइजोल, देखो इसमें कुछ नहीं है, आइजोल जो है वो किसकी राजधानी है, मिजोरम की। तो दिसपुर किसकी राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है, ठीक है।